तरफ विदर्भ राज्य के लिए आंदोलन को तेज करने के दृष्टिकोण से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की कोर कमेटी की बैठक वामनराव चट्टप की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जागे मार्बत के तहत के लिए विदर्भ के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में नागपुर करार की होली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उसी के तहत आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से नागपुर करार की होली कर आंदोलन किया गया। साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जिले और तहसील स्तर के कार्यकर्ता गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले आदि महापुरुषों की प्रतिमा के सामने आत्मकलेश आंदोलन करेंगे। तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और अमित शाह को ज्ञापन भेजकर यह मांग की जाएगी कि पृथक विदर्भ तुरंत बनाया जाए और 117 साल से चली आ रही स्वतंत्र विदर्भ की मांग को हमेशा के लिए सुलझाया जाए। ऐसी मांग इस आंदोलन के जरिए की गई है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति च्या वतीने सर्व विदर्भात आज नागपूर कराराची होळी करण्यात येत आहे आणि हा जो नागपूर करार 28 सप्टेंबर 1953 करण्यात आला होता, हा करार फसवा झाला आणि त्या कराराची होळी आज 120 तालुक्यात होता। कारण ह्या करारात नुसारच 1 मे 1960 विदर्भ राज्याची जनता महाराष्ट्रात सामील झाली, परंतु 11 कलम जे आहेत त्या कलमानुसार 23% वाटा देण्याचा कबूल केला होता, 23% नोकऱ्या देण्याचा कबूल केला होता, संचालनालय ऑफिस येण्याचा कबूल केला होता, कॉलेजियमच्या जागा बराबरीच्या देण्याचं कबूल केलं होतं। एवढं सगळं करत असतानाही आमच्यावर आज अन्यायाची मालिका सुरू आहे। आमच्या सिंचनाचे 75,000 कोटी पडवले, आमच्या रस्त्यांचे 18,000 किलोमीटर रस्त्यांचे 50,000 कोटी पडवले, त्यामुळे आज तुम्ही पाहता सच्चात कोणी पुढाकारी बोलायला तयार नाही। बेरोजगारांची मोठी फौज निर्माण झाली आहे आणि आज बेरोजगाराच्याला हे करून आज युवक सुद्धा आत्महत्या करत आहे। म्हणून अशा परिस्थितीत हे नागपूर करार हे फसव करार झाला आणि आज नागपुरात आणि संपूर्ण विदर्भात हे याची कराराची होळी केल्या जात आहे। 120 तालुक्यात आणि विधानसभा न्याय होळी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।